What's up YouTube, I'm Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने knees और thighs को कैसे बिल्कुल bullet proof बना सकते हो। अच्छा। क्योंकि cricketers को बहुत ज़्यादा injuries होती हैं उनके knees में, उनकी thighs में। अगर आपकी thighs strong नहीं होगी, तो आप days cricket नहीं खेल सकते या fast bowling नहीं करा सकते, जल्दी थक जाओगे। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी exercises बताऊंगा जिसके लिए ना तो आपको जिम जाना पड़ेगा, ना कोई सामान खरीदना है, आप अपने घर पर भी कर सकते हो, आप ग्राउंड पे भी कर सकते हो, उसे कहीं पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो। और आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको हर एक्सरसाइज के 5 सेट करने हैं और 20 से 25 या जितने आप रेपिटेशन कर सकते हो आपको उतने रैप्स करने हैं, और आप उन्हें अल्टरनेट डेज कर सकते हो। डेली करोगे तो आपकी जो नीज़ है या आपकी जो थाइज़ हैं वो ज़्यादा सोर हो सकती हैं, उसमें ज़्यादा पेन हो सकता है, पर आप अगर अल्टरनेट डेज करोगे तो जो आपकी नीज़ हैं और आपकी जो थाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। आपको कुछ वेट नहीं उठाना, आपको नॉर्मल स्क्वाट्स करने हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल अपने जो लेग्स हैं उन्हें आपको शोल्डर लेवल पे खोलना है और आपको बस ऐसे नॉर्मल बैठना है। आपको बिल्कुल नीचे नहीं जाना, पूरा नीचे नहीं जाना और बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना, आपको थोड़ा 90 डिग्री बैठना है बस। और अगर आपके पास कोई बुक है या आप बैग है, आप उसमें वेट रख के आप उसे भी ऐसे पकड़ सकते हो, तो वो आपका वेट का भी काम करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाट्स मारोगे, मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ, और इसमें जो आपकी बैक होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, क्योंकि अगर आगे की साइड रहोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स कर सकते हो, 4 से 5 इसके सेट्स मार सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस। आपको लंजेस में चलना नहीं है, अगर आप चलना चाहते हो कर सकते हो, पर आपको स्टैंडिंग लंजेस करने हैं। आपको नॉर्मली एक जगह खड़ा हो जाना है और बस ऐसे, मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ, ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके नीज़ के लिए। तीसरी एक्सरसाइज है बैक लंजेस। अभी आपने फ्रंट करा था, अब आपको बैक करना है, अब आपको पीछे की साइड बैठना है। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके जो नीज़ हैं और आपकी थाइज़ हैं बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। आप 2 सेट्स अच्छे से करके देखना, आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ एक्सरसाइज है पैट्रिक सेटअप। आपको इसमें क्या करना है, आप इसमें किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो, बॉल का या किसी भी चीज़ का। आपको ऐसे खड़ा हो जाना है और जो आपका पैर है, मतलब जैसे अगर आप पहले राइट पैर से करना चाहते हो तो राइट पैर आपको आगे निकालना है इस तरह, और उसे हवा में रखना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट लेग है, जैसे मैंने फ्रंट लेग आगे निकाला, और जो आपका लेफ्ट लेग है उससे आपको स्क्वाट्स मारना है जितना आप बैठ सकते हो, और जो आपके फ्रंट लेग की हील है वो नीचे टच होनी चाहिए जब आप नीचे बैठो। फिर आप ऐसे इसके 15 से 20 रैप्स कर सकते हो, फिर आप दूसरा लेग चेंज कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके नीज़ और आपके थाइस के लिए। तो फ्रेंड्स, आप ये 4 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना और फिर आप धीरे धीरे वीक टू वीक चेंज देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे और एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी।